नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबर को। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ा विमान मिल गया। भारतीय नौसेना की मेहनत लाई रंग। जहां मिले सौ वहीं प्लेन भी मिला। बाहर निकालने की कोशिश जारी। सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरे ट्रेनी विमान का पता चल गया। बताया जा रहा है कि जहां पायलटों के सौ मिले थे उसी लोकेशन पर प्लेन भी मिला। अभी प्लेन पानी में ही है, उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तेज धूप और उमस की वजह से काम पूरा नहीं हो सका है। आप सबको बता दूं कि लापता विमान की तलाश पिछले 100 घंटे के करीब से चल रही थी। हादसे में मारे गए ट्रेनी पायलट और ट्रेनर के शव भी चांडिल डैम से बरामद कर लिए गए हैं। सर्च अभियान पहले एनडीआरएफ और अब इंडियन नेवी चला रही थी। घटना के पहले दो दिन एनडीआरएफ ने तलाशी ली, इसके बाद इंडियन नेवी ने मोर्चा संभाला। आप सबको बता दूं कि शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के करीब तक तलाशी अभियान चलाया गया, पर सफलता नहीं मिल सकी। आज सुबह भी जो है तलाशी अभियान जारी रखा गया। कुछ देर पहले विमान मिलने की जानकारी भी है। आप सबको बता दूं कि इंडियन नेवी की टीम 4 बोट की मदद से विमान को तलाश लिया। दुमका में 27 अगस्त को जमा के पाचन पहाड़ी आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 अगस्त को दुमका आएंगे और जिला के जमा प्रखंड के पाचन पहाड़ी यानी कि कमार दुधानी स्टेडियम के पास झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत संथाल परगना प्रमंडल के चयनित लाभुक महिलाओं को सम्मान राशि का हस्तांतरण करेंगे। इधर जो है जिला प्रशासन ने इस आयोजन के बाबत तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम स्थल पर ही अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। वहीं मंच और पंडाल के लिए जर्मन हैंगर भी लगवाया जाएगा। इस प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम में अलग अलग जिले से लाभुक पहुंचेंगे, लिहाजा उन्हें लेकर पहुंचने वाले वाहनों की पार्किंग भी अलग अलग स्थानों पर कराई जाएगी, ताकि सुगमता से लोग पहुंच सके और आवाजाही आदि में परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बावजूद जिले के उपायुक्त द्वारा पदाधिकारियों को सौंपे गए दायित्व से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक संथाल परगना के 6 जिलों के 7.25 लाख से अधिक लाभुकों को इस सम्मान योजना के तहत पहली किस्त उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस के नेतृत्व ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की, जहां पार्टी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। उनके साथ उनकी पत्नी सह गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इस दौरान सीएम हेमंत से कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आज अपने आवास पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पार्टी के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव से मुलाकात हुई, जहां विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव झा, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। रांची के डॉक्टर इश्तियाक का लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप से चल रहा था नेटवर्क। दिल्ली स्पेशल सेल को मोबाइल से मिली जानकारी। रांची से गिरफ्तार आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद से पूछताछ और उसके मोबाइल से मिली जानकारी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच में पता चला है कि डॉक्टर इश्तियाक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए अपना नेटवर्क चला रहा था। मॉड्यूल से जुड़े सभी संदिग्ध आतंकी कई ग्रुपों में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इनमें कुछ सदस्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों के भी हैं। स्पेशल सेल को जानकारी मिली है कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट संगठन में शामिल युवकों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी हजारीबाग से गिरफ्तार फैजान अहमद को थी। वह फिजिकल ट्रेनिंग के साथ हथियार चलाने और बम बनाना भी सिखाता था। ट्रेनिंग झारखंड के जंगलों में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दी जा रही थी। आज 14 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। रांची में आकाश बिजली से एक की हुई मौत। अगले 5 दिन तक मजबूत स्थिति में मानसून। झारखंड में मानसून सामान्य रूप से बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक मानसून काफी मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। इस बीच आज प्रदेश के 14 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक आज राज्य के 70% हिस्से में बारिश हो सकती है। जिन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका और गिरिडीह जिला शामिल है। इधर जो है
रांची जामताड़ा समेत कई जिलों में शनिवार को तेज बारिश हुई। रांची के सिकंदरी इलाके में आकाश बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं इस घटना में दो मवेशी की भी जान चली गई। राजधानी रांची में आज भी बादल छाए हुए हैं, यहां जो है आज तेज बारिश की संभावना है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मानसून राज्य में एक्टिव रहा, कई इलाकों में अच्छी बारिश भी हुई। पलामू और उससे सटे इलाकों में अच्छी बारिश हुई, सबसे अधिक 151.3 मिलीमीटर बारिश गढ़वा के धुरकी में हुई। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं शनिवार को चैनपुर, बहरागोड़ा, सिकटिया, डंडई, मैराल, मधुपुर, चक्रधरपुर और रंका में भी भारी बारिश हुई। वहीं बारिश के इस सीजन में झारखंड में अब तक 661.7 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 11% कम है। अब तक जो है 744.5 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। चतरा में वन रक्षियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं कर्मी, कई तरह के काम हो रहे हैं प्रभावित। चतरा में झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले वन रक्षियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 10वें दिन भी जारी रहा। वन रक्षी वन विभाग कार्यालय परिसर में धरना पर बैठे रहे। इसका नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष निशांत कुमार कर रहे हैं। झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में अहितकारी संशोधन को वापस ले जाने की मांग को लेकर जिले के 105 वन रक्षी हड़ताल पर हैं। वहीं आप सबको बता दूं कि वन रक्षियों को हड़ताल पर रहने से विभाग के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अवैध बालू और कोयला की ढुलाई बढ़ गई है, वन संपदा नष्ट हो रहा है, जंगलों से अवैध लकड़ी की कटाई हो रही है, वन भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, पौधारोपण, वन महोत्सव समेत अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहा है, वन पट्टा का काम भी नहीं हो पा रहा है, वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण लोगों को वन पट्टा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वर्तमान में जंगल भगवान भरोसे छोड़ा गया है। रांची में रक्षा राज्य मंत्री समेत 51 पर हत्या के प्रयास का केस। मोरहाबादी मैदान में 23 अगस्त को आयोजित युवा आक्रोश रैली में शामिल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 51 लोगों पर शनिवार को हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ। गैर जमानती धाराएं लगाई गई। कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार की शिकायत पर लालपुर थाना में 12,000 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ। दुर्गा सत्यप्रकाश उपाध्याय को जांच अधिकारी बनाया गया है। राज्यभर से भाजपा नेता और समर्थक 23 अगस्त को भाजयुमो की युवा आक्रोश रैली शामिल होने मोरहाबादी मैदान आए थे। सभा के बाद बैरिकेटिंग तोड़कर कांके रोड स्थित सीएम आवास जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और रैप जवानों और भाजपा समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे। वहीं भाजपा समर्थकों ने पत्थरबाजी की थी, पानी की बोतलें फेंकी थी। दोनों ओर से कई लोगों को चोट भी लगी थी। रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लोजपा के फिर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान रविवार को रांची पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सर्वसम्मति से उन्हें लोजपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। खरसावां में तेज रफ्तार कार ने एक को मारी टक्कर, हुई मौत, विरोध में सड़क जाम। खरसावां के बाजार शाही में शनिवार की रात तेज गति से आ रही एक मारुति ओर्टिगा कार चालक ने सड़क किनारे खड़े एक शख्स को रौंद कर फरार हो गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर शाम खरसावां के बाजार शाही निवासी प्रशांत मोदक, जिनका उम्र 48, की किराने की दुकान से कुछ सामान खरीद कर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान बाजार शाही हरि मंदिर के पास वह कार की चपेट में आ गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रविवार की सुबह खरसावां बाजार क्षेत्र में सड़क जाम कर दी। खरसावां बाजार होते हुए हाईस्कूल की ओर आने जाने वाले सभी मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया। इससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। बाजार क्षेत्र के दुकानदारों ने भी अपने दुकानों को बंद रखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोषी वाहन चालक को चिन्हित कर कार्रवाई करने, मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिलाने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सभी प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। लगातार बढ़ रहा है पतरातू डैम का जल स्तर, 3 फाटक खोलकर किया जा रहा है जल निकासी का काम। रामगढ़ के पतरातू डैम में विभिन्न पहाड़ी और नदियों के मिलने और बारिश की वजह जल स्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रविवार की सुबह को 1328 रेडियस लेवल जल स्तर को बनाए रखने के लिए डैम का एक और फाटक खोल दिया गया, ताकि यह खतरे के निशान के पार ना चला जाए। अब डैम के कुल 3 फाटक से जल निकासी का कार्य हो रहा है। इससे पहले शनिवार को भी जल स्तर को बनाए रखने के लिए एक फाटक खोला गया था, लेकिन रविवार को अहले सुबह पता चला डैम का वाटर लेवल काफी बढ़ गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने एक और फाटक खोलने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री के हाथों धनबाद की ममता महतो और अदारी देवी को मिला स्वीकृति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को हजारीबाग के नगवा मैदान यानी कि सिंदूर मैदान में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम में धनबाद के बगमारा प्रखंड की ममता महतो और अदारी देवी को अपने हाथों से स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ की लगभग 14 लाख बहन बेटियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से सम्मान राशि हस्तांतरित की गई। वहीं धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर धनबाद से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिता कुजूर, निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद और व प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। गिरिडीह में 4 अपराधी हुआ गिरफ्तार, अपराधी घटना को अंजाम देने की थी फिराक, 4 देसी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस हुआ बरामद। गिरिडीह के बागुदर पुलिस ने अपराधी घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे 4 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से 4 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और एक एप्पल कंपनी का आईफोन बरामद किया है। इसकी जानकारी रविवार को SP दीपक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।